नमस्कार, कशिश न्यूज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शमा सुहेल और आप देख रहे हैं गर्दा छाड़ के। तो गर्दा झाड़ के में आज हम बात करेंगे बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में होने वाले 4 सीटों पर मतदान के बारे में। तो चलिए करते हैं लोकसभा चुनाव 2019 के पहले चरण की पूरी पड़ताल। इस बात से तो आप वाकिफ होंगे कि पहले चरण का मतदान बिहार के 4 सीटों पर किया जाएगा। अब ये भी जान लीजिए कि वो 4 सीट कौन कौन है और वहां मतदाता की संख्या क्या है। चौदह लोकसभा चुनाव की बात करें तो नवादा से बीजेपी के गिरिराज सिंह 44.12% मत के साथ विजयी हुए थे। वही इस बार संभावित उम्मीदवार के नाम कुछ इस प्रकार हैं। गया से बीजेपी के हरि मांझी ने 40.30% मत के साथ सीट पर अपना कब्जा किया था। वहीं गया से इस बार के संभावित उम्मीदवार के नाम कुछ इस प्रकार हैं। औरंगाबाद की बात करें तो वहां से भी 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के ही उम्मीदवार सुशील कुमार सिंह ने 39.16% मत के साथ जीत का खिताब खुद के नाम किया था। तो इस बार के संभावित उम्मीदवार के नाम भी आप जान लीजिए। इसी के साथ जमुई में एलजेपी के चिराग पासवान ने 36.79% मत के साथ विजेता बने थे। तो इस बार के संभावित उम्मीदवार कुछ इस तरह हैं।